हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं आप लोग? तो गाइज, आज मैं फिर से एक आया हूँ एक सेकेंड हैंड शोरूम के पास, ऐसे कहेंगे। ज़्यादा यहाँ देर ना करते हुए शुरू करते हैं और अंदर का पूरा ब्लॉग शूट करते हैं। दोस्तों, तो हम फिर से आ चुके हैं onmoto.com पे, जो सेकंड लास्ट वीडियो बनाई थी उस पर आप लोगों का अच्छा प्यार हुआ। दोस्तों, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। ये इसको जानते हो ना, आप जानते होगे, CV300 रॉ मशीन है होंडा की, और अपने सेगमेंट में ना सिंगल सिलेंडर में ये ना आग है। आग इसको मैंने बहुत चलाया है, यहाँ भी चलाया है, दिल्ली में भी चलाया है, तो ये आग है अपने सेगमेंट में। बिल्कुल नई मशीन है, रेड कलर की है। डिस्क्रिप्शन देखने से पहले आप देख लो, प्योर LED बल्ब, USD गोल्डन फॉक्स, टायर इमैकुलेट कंडीशन, ड्यूअल चैनल AVS, और डिजिटल कंसोल मीटर, और ये साइड मतलब रियर व्यू मिरर, टंकी आपको मिल जाता है, स्प्लिट सीट मिल जाता है, और लेग गार्ड वही बेसिक सा, और ये ड्यूअल चैनल AVS फ्रंट और बैक दोनों, और टायर कंडीशन आप देख सकते हो, इसके धागे तक भी अभी नहीं गए हैं, ये तो हाल में ही पिछले साल लॉन्च हुई थी, और इमैकुलेट कंडीशन की है। इसका भी एग्जॉस्ट ना वो डब्बे जैसा आ जाएगा, बड़ा प्यारा सा टक 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 ऐसे करके। ओके दोस्तों, तो इसका इंजन आप दिखा देता हूँ, 286 क्यूबिक सेंटीमीटर है, बट ये बहुत पावरफुल है, CV300R, ओके, होंडा की, और ये बची कुची गाड़ी है। ये मैं इस गाड़ी को पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो इसका डिस्क्रिप्शन जान लेंगे। होंडा CV300R 2022 मई की है, मुजफ्फरपुर की ही, 8900 किलोमीटर चली है, फर्स्ट ओनर है, BS6 है, और इसका जो फाइनल प्राइस निकल के आ रहा है 1,52,000 है। इसकी ना ब्रेकिंग कैपेसिटी, गाइस मैंने चलाया है इसलिए मैं बता सकता हूँ इसको बहुत अच्छे से, ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। इसका जो बाइट है निशन का बहुत तगड़ा है। आप डिस्क देखो, कितने बड़े बड़े डिस्क है इसमें, एंड ये देखो रेडिएटर मिल जाता है, यही कुछ है। ओके, अब हम चलते हैं दूसरी बाइक की तरफ। ये रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 को आपको दिखाता हूँ। टायर कंडीशन एक नंबर, और पेंट क्वालिटी ये तो जेन्युइन है, स्टॉक है। जल्दी जल्दी मैं ना टैग बता देता हूँ, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350, 19 जनवरी 2021 की परचेजिंग डेट है, समस्तीपुर नंबर है, इतना इतना चला हुआ, फर्स्ट ओनर BS6, 1,46,000। ओके, ये देख सकते हो आप, मीटर वगैरह सब कुछ बढ़िया है। जो दूसरी भी बाइक है वो भी क्लासिक 350 है, ये देखो, ये कलर मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, एंड लुक एट दिस। इसमें देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। रॉयल एनफील्ड फर्स्ट ओनर, BS4 है, 3540 12 लीटर का फ्यूल टैंक, और इसका जो फाइनल प्राइस निकल के आ रहा है 1,40,000। ओके, और मैस्ट्रियो है, हीरो की जो है मैस्ट्रियो एज, 19 जनवरी 2018 की परचेजिंग डेट है, वैशाली नंबर है, 18851 किलोमीटर चली हुई है, फर्स्ट ओनर VS4, और इसका जो फाइनल प्राइस है 38,000 है। तो आप कंडीशन देख सकते हो सबका, ये देखो, मतलब एकदम मिंट कंडीशन जो बोलते हैं ना, मस्त वाला वो है। तो गाड़ी बहुत ज़्यादा है वहाँ तक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूँ, उसके बाद देखेंगे। एक्टिवा है, समस्तीपुर नंबर है, और ये आप डिस्क्रिप्शन एक बार ऐसे देख सकते हो, ये भी फर्स्ट ओनर है, 37,000 इसकी आस्किंग प्राइस। और टायर कंडीशन देखो यार, टायर नेक्स्ट टू शोरूम कंडीशन। ओके, कलर जेन्युइन कलर है, स्टॉक कलर है, ये है बजाज का डिस्कवर, बजाज डिस्कवर, इतना इतना इतना, फर्स्ट ओनर VS4, 40 से 45 की माइलेज निकाल के देगी, बट ये डिसकंटिन्यूड बाइक है, और इसका जो फाइनल प्राइस निकल के आ रहा है 36,000, तो ये भी डिस्क ब्रेक के साथ। ओके, जो नेक्स्ट बाइक है वो मरून कलर की होंडा शाइन है गाइस, और इसका जो है होंडा शाइन दरभंगा नंबर है, 2021 मॉडल, और BS6 है गाइस, ये BS6 है। आपको कंसोल दिखाता हूँ, इंजन चेकिंग लाइट, न्यूट्रल, RPM मीटर, नहीं सब, ये रही स्पीडोमीटर, 21,000 चली हुई। ओके, मरून कलर की, और इसका जो फाइनल प्राइस निकल के आ रहा है 56,000, इसकी भी माइलेज बहुत अच्छी है। तो ये रही सर 150, 2018 की परचेजिंग डेट है, मोतिहारी नंबर है, 32,000 चली हुई है, फर्स्ट ओनर है, और 47,000 जो इसका फाइनल प्राइस रहेगा वो 47,000 में आपको मिल जाएगा। तो गाइज, ये जितने भी बाइक है ना, ये सब प्रॉब्ली फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर है। ओके, तो इस डिस्क ब्रेक के साथ है, मैं दिखा दूँ सिंगल है या डबल डिस्क है। इसमें दोस्तों सिंगल डिस्क आता है, और ये सीट, पेंट क्वालिटी नेक्स्ट टू शोरूम, देखो कितनी शाइन कर रही है, ग्लिटर,
ग्लिटर ग्लॉसी ब्लैक इसको बोलते हैं, इसमें की है नहीं, नहीं मैं दिखा देता। दूसरी वाली है वो भी ब्लैक ग्लॉसी में, बजाज की पल्सर 125 है, आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। बजाज पल्सर 125 18 मार्च 2020 के, समस्तीपुर नंबर है, 25684 किलोमीटर चली हुई, फॉर्च्यूनर BS6, और इसका जो फाइनल प्राइस निकल के आ रहा है वो है 54,000। तो इसमें फ्रंट में ड्यूअल पिस्टन कैलिपर्स मिल जाते हैं, और टायर कंडीशन ठीक ठाक है, उस पल्सर का भी ठीक ठाक है, और पेंट जो है स्टॉक पेंट है। उसके बाद जब डिलक्स 2021 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, 19,235 किलोमीटर चली हुई है, और 50 से 55 का माइलेज है, 55 से ज़्यादा देती है ये, और इसका जो फाइनल प्राइस निकल के आ रहा है वो है 52,000। तो ये IVS टेक्नोलॉजी इसमें आता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। तो ये देखो, तो ये भी सही है, इसका भी मैं इग्निशन दिखा दूँ आपको, सब इग्निशन वर्किंग कंडीशन में। गाइस, इसके बाद गाइस आ जाता है अपना हीरो का ही पैशन प्रो है, जो कि ये भी ग्लॉसी ब्लैक कलर में, इसका पैशन प्रो 2020 का, दरभंगा नंबर है, 26,000 चली हुई है, फर्स्ट ओनर है, BS6 है, और इसका जो फाइनल प्राइस निकल के आ रहा है वो है 52,000, देख सकते हो। तो इसकी भी कंडीशन बहुत सही है, मैं कंसोल भी दिखा देता हूँ, वर्किंग है नहीं है, देखो गाइस, तो कंसोल भी इसका काम कर रहा है। उसके बाद ऑल न्यू येलो ब्लैक एंड ग्रेश में, ये भी पैशन प्रो है, हीरो की तरफ से आने वाली बाइक, और इसका डिस्क्रिप्शन चेक करें। पैशन प्रो 21 मॉडल है, मोतिहारी नंबर है, 23,000 चली हुई है, और फाइनल जो प्राइस निकल के आ रहा है उस वो है 55,000। ओके, उसके बाद भी देखेंगे तो हीरो की बाइक है, हीरो का ज़्यादा है, और होंडा और हीरो, तो हीरो की है, हीरो प्रो पैशन प्रो है, 20 मॉडल है, दरभंगा नंबर है, 19,000 चली हुई है, फर्स्ट ओनर है, BS6 है, और इसका भी फाइनल प्राइस 52,000 है, इसका 55,000 है गाइस। तो आप देख लो, आपको येलो कलर पसंद है या ब्लैक कलर पसंद है, पैशन में आप ले सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और है पैशन प्रो, पैशन प्रो काफ़ी है, तो पैशन प्रो इसकी डिटेल आप देख सकते हो, 2020 मॉडल है, समस्तीपुर नंबर है, 29,000 चली हुई है, फर्स्ट ओनर है, और इसका जो फ्रंट प्राइस है इसका भी 52,000, इसका 52,000, और येलो वाले का 55,000। तो इसका भी जो पेंट जॉब है, पेंट वो अभी तक बचा हुआ है, ये भी, और तीनों बाइक है ना, वो चारों मैंने दिखाए, वो IBS है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम इसमें मिल जाता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे, ये है ग्लैमर, हीरो ग्लैमर 125, 2020 मॉडल है, मोतिहारी नंबर, 22,000 चली हुई है, फर्स्ट ओनर, BS6, और इसका जो फाइनल प्राइस निकल के आ रहा है वह है 54,000। तो ये देखो आप, ये चेरीस रेड कलर में, रेड एंड ब्लैक में है, तो सीट कुशन, सीट वगैरह सब ठीक ठाक है, और इसका इग्निशन सेमी डिजिटल है, सेमी एनालॉग है, तो वर्किंग है। उसके बाद हम देखेंगे, ये भी हीरो का ग्लैमर है, ब्लू ब्लैक में, ग्लॉसी ब्लैक, और ये है डिस्क ब्रेक के साथ, वो ड्रम ब्रेक है इसमें, इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाता है बाइवर का, और इसका डिस्क्रिप्शन आप देखें, हीरो ग्लैमर 125 2021 की है, BS6 है, फर्स्ट ओनर, 15,000 चली हुई, और फाइनल प्राइस है इसका 60,000 है, एंड टायर कंडीशन दोनों के बहुत अच्छे हैं, एंड इसका मैं कंसोल दिखा दूं आपको, ये देखो, तो i3 स्मार्ट न्यूट्रल इंजन चेक इन, और ये देखो कंसोल सबका वर्किंग कंडीशन में है। उसके बाद बात करेंगे, तो ये बाइक है बजाज की पल्सर 150, ये है बजाज पल्सर 150 2018 मॉडल, BS4 रॉ मशीन, फर्स्ट ओनर, और इसका जो फाइनल प्राइस है वो है 45,000 रुपये। और उसके बाद आ जाएंगे, तो ये जिक्सर स्टॉक में आया है, और ये देखो सुजुकी जिक्सर 155 2016 मॉडल, वैशाली नंबर है, 34,700 चली हुई, एंड 12 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक मिल जाता है, और इसका जो फाइनल प्राइस है वो है 43,000 रुपये। ये ड्यूअल डिस्क के साथ आता है ये फ्रंट में, और वहाँ भी आपको दिखा दूँ, तो वहाँ भी डिस्क ब्रेक, जिक्सर मैंने खुद ओन किया है, वो फेयरिंग वाली थी SF, तो माइलेज इस आपका इस पे आ रहा है ना कि 35 से 40, बट इससे ट्रस्ट में ज़्यादा माइलेज निकाल के देती है, और इसके जो फोक्स है ना वो 41mm के है, काफ़ी मोटा है, 41mm है, बहुत तगड़ी फोक्स जो भूसा में देते हैं ना वैसे फोक्स है। इसका मैं कंसोल दिखा दूँ, तो फुल्ली डिजिटल कंसोल मिल जाएगा, ये देखो फुल्ली डिजिटल कंसोल मिल जाता है। ओके, उसके बाद है अपनी होंडा की ऑल न्यू हॉर्नेट 160R 2017 मॉडल, बेगूसराय का नंबर है, 34,000 चली हुई है, फर्स्ट ओनर है, BS4 है, और इसका जो फाइनल प्राइस है 48,000। तो
इसका भी मैं आपको कंसोल दिखा दूं, ये देखो वर्किंग कंडीशन में कंसोल है, और इसमें ना पीछे ड्रम ब्रेक है, आगे मिलते हैं। इसके भी सस्पेंशन है ना, वो भी 41 mm के है, इसकी भी माइलेज बहुत अच्छी है। उसके बाद हम बात करेंगे और द रॉ मशीन, द पावर मशीन अपाची 160 2V, ये है 2021 मॉडल, मोतिहारी नंबर है, 2800 चली हुई है, फर्स्ट ओनर। जितने भी मैंने दिखाए सारे के सारे फर्स्ट ओनर है, और ये एक अच्छी बात होती है कि फर्स्ट ओनर होता है, एक हाथ की बाइक होती है, एक हाथ की मशीन होती है, बची होती है पूरी, बेसिक्स है, 12 लीटर का फ्यूल टैंक है, और जो फाइनल प्राइस निकल के आ रहा है वो है 80,000 रुपीज़। और मैं कलर दिखा दूँ तो ग्लॉसी ब्लैक में आता है जो कि ग्लिटर करता है, और ये देखो सुपर मोनो ABS, ये देखो फ्रंट में ABS है और पीछे भी ABS है, ड्यूअल चैनल ABS इसमें आपको देखने को मिल जाता है। टायर प्रिस्टीन कंडीशन में है, ये देख सकते हो ये जो ग्रुप्स बने होते हैं वो अभी भी हैं, तो ड्यूअल कैलिपर पिस्टन के साथ। और ये देखो आफ्टर मार्केट इसमें ना लेग गार्ड है जो कि ये ज़्यादा ही प्रोटेक्शन देगा, आफ्टर मार्केट है। ओके, नेक्स्ट बाइक जो है हमारे पास वो भी TVS की अपाची है, मरून कलर की, मैट मरून, ये देख सकते हो आप, वो मैंने ब्लैक दिखाया, ग्लॉसी ब्लैक, और ये मैट में है। तो इसका पहले कंसोल दिखा दूँ, सेमी डिजिटल सेमी एनालॉग, देखो वर्किंग कंडीशन में है, एंड इसमें भी ABS मिल जाता है आपको। ये देखो मैट कलर का ये है ना कि कितनी भी गंदी हो जाती है, बट इसमें वो चीज़ है कि आपको एक वो कपड़ा मारो वो हट जाएगा, इसमें ज़्यादा मेंटेन करना नहीं पड़ता मैट कलर को। ये देखो तो इसका डिस्क्रिप्शन में दिखा दूँ, TVS 160 22 मॉडल है, बेतिया का नंबर है, 14,300 चली हुई है, फर्स्ट ओनर, BS6 है, 90,000 इसका फाइनल प्राइस निकल के आ रहा है गाइस। ओके, और उसके बाद देख रहे हैं हम तो FZS। ओके, ये कलर मुझे काफ़ी प्यारी लग रही है, देख रहे हो चेरिस रेड। ओके, तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, बड़ा सा डिस्क ब्रेक है यार, टायर कंडीशन ठीक ठाक है, और ये ग्रे कलर में है और हेलोजन बल्ब के साथ मिल जाता है। लुक एट दिस, इसका डिस्क्रिप्शन है, यामाहा F2 150cc 2018 मॉडल, समस्तीपुर नंबर, 27,000 चली हुई, फर्स्ट ओनर, BS4 है ना, वो BS4 है, BS4 मशीन रॉ मशीन हुआ करती थी, एंड इसका जो फाइनल प्राइस निकल के आ रहा है वो है 50,000, ये आप देख सकते हो। इसके भी ना सस्पेंशन है 41 mm के हैं, तो ये अगर खुद आना खासता है एक्सीडेंट होता है तो जो पहला इम्पैक्ट होता है ना ये झेल लेता है, तो 41 mm इसमें था, हॉर्नेट में था, और ये जिक्सर में था। ओके, फिर से हमारे पास यामाहा की 150cc FZ, ये है 2018 मॉडल, वैशाली, 30,000 चली हुई, फर्स्ट ओनर, इसका जो फाइनल प्राइस है 55,000 में आपको मिल जाएगा। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, और ये देखो इससे ज़्यादा ना कंडीशन मुझे इसकी अच्छी लग रही है, और इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद है TVS अपाची RTR 4V 160 22 मॉडल है, मुजफ्फरपुर का ही है, और 13,675 किलोमीटर चली हुई है, फर्स्ट ओनर, 40 से 45 की माइलेज है, 13 लीटर फ्यूल टैंक है, और जो फाइनल प्राइस है 98,000 है। तो ये इसका ना ये देखो कलर देखो बहुत सही कलर है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है इसमें, और इसकी जो टायर है ना वो भी बहुत अच्छी कंडीशन है, मिंट कंडीशन में, मतलब ठीक ठाक कहेंगे, अभी 10,000 किलोमीटर और चलेगी, ABS मिल जाता है, और कलर बहुत सही है इसका, इसमें ना बेस है, इसके इंजन में बेस है, और इसका भी फुल्ली डिजिटल है, मैं दिखा दूँ, ये देखो डिजिटल है, और फ्रंट में ना LED हेडलैम्प मिल जाते हैं ये फ्रंट में। चलो ओके, तो आपने इसका देखा, स्कूटी है होंडा एक्टिवा 4G है, 13 अप्रैल 2018 मॉडल है, समस्तीपुर, 21,000 चली हुई, और फाइनल जो प्राइस है इसका 40,000 रुपये। तो ये देखो ये कलर बहुत सही मैट में है, अच्छा लग रहा है, कॉम्बी ब्रेक के साथ, होंडा अपने सारे ही बाइकों में कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देती हैं। तो गाइज ये सब बाइक आप जो देख रहे हो प्रॉब्ली लगभग सब के सब फर्स्ट ओनर है, और एक हाथ की मशीन है। ये है थंडरबर्ड 350X, ये बहुत मतलब तगड़ी चीज़ है यार, इसका मैं डिस्क्रिप्शन दिखा दूँ आपको, रॉयल एनफील्ड की है, थंडरबर्ड X350 2020 मॉडल, मोतिहारी नंबर 21,000 चली हुई, फर्स्ट ओनर, और इसका जो फाइनल प्राइस है 1,15,000। तो कलर देख लो, वाइट कलर की है, और ये देख सकते हैं आप ब्लैक, और ये आई थिंक आफ्टर मार्केट है शायद, ये देखो
और फ्रंट में एक बड़ी सी हेडलाइट। ओके, उसके बाद है ये चमचमाती हुई बजाज पल्सर। इसके डिस्क्रिप्शन में बता दूं बजाज पल्सर 150 2019 मॉडल, वैशाली नंबर, 2648, फर्स्ट ओनर BS4, माइलेज 40-45 से ज़्यादा की ये दे सकती है। फाइनल जो प्राइस निकल के आ रहा है 51,000 रुपये इसका फाइनल प्राइस है। देखो फ्रंट में ABS है, टायर मेंट कंडीशन की, टायर ठीक ठाक है और इंजन से भी कोई लीकेज नहीं, कुछ ऐसा नहीं, और बैक टायर तो एकदम नेक्स्ट टू न्यू है ये सब। ओके, थोड़ा मैं आपको इस ये चीज़ दिखा दूँ। कंसोल देखो सेमी डिजिटल एनालॉग कंसोल भी वर्किंग कंडीशन में है। ओके दोस्तों, एक और रॉयल इनफील्ड 350 सिग्नल 350 जो कहते हैं, और ये बैच मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़। और यहाँ पे ये लोगो देख सकते हैं। ओके, तो फ्रंट में हैलोजन बल्ब मिल जाता है और इसका भी टायर कंडीशन है इमैकुलेट कंडीशन मतलब बहुत ही अच्छा कंडीशन है इसका टायर। और ABS है, डिस्क ब्रेक है, ड्यूअल हॉर्न है, एक आफ्टर मार्केट बम्पर है हेवी सा, एक बड़ा सा इंजन, और ये देखो बैटरी पे लोगो, और ये कुछ ये बेसिक सा चीज़ें हैं, ये सब तो आप जानते हो। पीछे भी डिस्क ब्रेक। तो इसका जो फाइनल, इसका पहले कंसोल दिखा दूँ आपको। ओके, वर्किंग कंडीशन में है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, रॉयल एनफील्ड 350 2020 मॉडल, समस्तीपुर नंबर, 25,000 चली हुई, फर्स्ट ओनर, और 1,38,000 इसका फाइनल प्राइस है गाइस, स्पोक व्हील के साथ। तो देखो यार, ये कलर कुछ ज़्यादा ही अच्छी नहीं लग रही, कलर बहुत अच्छी लग रही है इसकी। ओके, उसके बाद बात करते हैं एक और है रॉयल एनफील्ड की ही, हंटर 350। ये तो बिल्कुल नई मशीन है हंटर, और वैशाली नंबर है, 6,000 मात्र चली हुई, फर्स्ट ओनर BS6, और इसका जो फाइनल प्राइस है 1,42,000। तो हंटर है ये, कम हाइट वालों के लिए, ये 6,000 चली हुई, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। ग्लॉसी ब्लैक में है, ये देख सकते हो, ये जिनका हाइट थोड़ा ना 5'4" 5'5" ऐसे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है हंटर, देख सकते हो आप। तो मैंने डिस्क्रिप्शन इसका बता दिया एंड मैं कंसोल भी दिखा दूं, ये देखो। ओके, उसके बाद पहचानो ये फ्रंट से कौन सी लग रही है, 220 लग रही है, बट ये 220 नहीं है, ये है बजाज पल्सर 180 जो लास्ट टाइम आई थी, उसके बाद डिसकंटिन्यूड हो गई थी। बिल्कुल 220 के तरह है, और ये देखो BR06 भी मुजफ्फरपुर की है, टायर इमैकुलेट कंडीशन, सब कुछ इसमें मिल जाता है, और ये मैट ग्रे कलर में है। तो इसका मैं जल्दी से डिस्क्रिप्शन बता दूँ पल्सर 180F 19 मॉडल है, मुजफ्फरपुर नंबर, 2700 चली हुई है, फर्स्ट ओनर है। इसका जो फाइनल प्राइस निकल के आ रहा है वो है 62,000। तो ये देखो प्रोजेक्टर, दो दो हेडलैम्प्स, और अच्छा इसमें दिखा दूँ ABS है या नहीं, ये नॉन ABS है गाइज, मैं कंसोल दिखा देता हूँ। ये देखो कंसोल वर्किंग कंडीशन में है, देखो पासिंग वासिंग सब काम कर रहा है, एक नंबर, स्प्लिट सीट के साथ फाइनल बाइक रहेगी वो रहेगी ये बजाज पल्सर NS125 22 मॉडल है, मोतियारी नंबर है, 11,000 चली हुई है, BS6 है। इसका जो फाइनल प्राइस निकल के आ रहा है 85,000 है, तो ये आप देख सकते हो। इस पर रैपिंग करा रखा है बंदे ने, इमैकुलेट कंडीशन की टायर मिल जाती है, और ये है नॉन ABS है, और जो हेडलैम्प इसका है हेलोजन हेडलैम्प है। और इसका मैं कंसोल आपको दिखा दूं, देखो वर्किंग कंडीशन में कंसोल है। ओके, तो ये मैंने दिखाया स्प्लिट सीट के साथ, तो ये ऑफिस है, आप लोग यहाँ विजिट करो, वीडियो देखो, एंड जो कोई सी भी बाइक पसंद आती है आप टेस्ट राइड पे जाओ, उसके बाद ही डील क्रैक करो।